Hello everyone. कैसे हो सब लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? आई वेलकम ऑल टू द अनअकैडमी। आप सभी का स्वागत है जी। जल्दी से एक बार कनेक्ट कीजिएगा। याद नहीं रहता सर, याद नहीं रहता। क्वेश्चन था ये कि सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है जी, तो कुछ पॉसिबिलिटीज रहेगी यहाँ कि क्या वजह हो सकती है, क्या कारण है उनके कि जो हम याद करते हैं, जो आप दिन भर पढ़ते हो मतलब, और एग्जाम टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि सर याद ही नहीं है कुछ भी, ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसका? या आप जिस टाइम पढ़ रहे हैं उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि सर याद नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा लगता है कल पढ़ा था आज कुछ भी याद नहीं है, तो उनके कुछ रीजंस हैं जो मेरे को लगते हैं, मैं उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा और कुछ तरीके भी मैं बताऊंगा कि किस टाइप से आप पढ़िएगा ताकि आपको आने वाले टाइम में, भाई देखो जितनी चीज़ों को तुम ज़्यादा लंबे टाइम तक ऐसे चीज़ों को याद करिएगा जैसे लंबे टाइम तक उनको क्या रख सको, आप याद कर सको, मतलब आपको लंबे टाइम तक आपकी मेमोरी के अंदर वो छाप छोड़ दे एक, इस टाइप से अपना डिस्कशन आज का रहने वाला है जी। जल्दी से एक बार सभी आ जाएंगे जी, एक बार जल्दी से। इसके अलावा YouTube पे अपना लाइव लेक्चर्स चलता ही, आप सबको ही पता है, अनअकैडमी सीएसआईआर नेट YouTube चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करके आप स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं, BKM10 कोड डाल के, बिल्कुल फ्री होती है जी ये भी। YouTube पे जैसे फ्री होता है वैसे ही मामला एकदम फ्री होता है वहां भी, ठीक है? ये है जी मामला आज का। जल्दी से एक बार कनेक्ट करें भाई, सभी लोग आ जाए तभी मजा आएगा। एक बार सभी लोग कनेक्ट कर लेंगे तभी मजा आएगा। इससे पहले जान लो एक बार सभी, स्पेशल क्लासेस के ऊपर, अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर स्पेशल क्लासेस के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो आप स्टूडेंट्स, बिल्कुल फ्री में, एकदम फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है उसका। जितना स्पेशल क्लास जैसे तुम यूट्यूब पे पढ़ते हो वैसे ही फ्री मामला तुमको मिलता है स्पेशल क्लासेस पे। बट यहाँ एक चीज का डिफरेंस है, जैसे यहाँ कमेंट्स लेट पहुँचते हैं, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में टाइम इंटरवल का गैप, जैसे मैंने तुमको बताया था रेडियो का और टेलीविजन का वही मामला। इसके अलावा मैंने तुमको क्या बताया, वहां पोल वाला सिस्टम है साहब, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो एकदम से जल्दी से, ठीक है? उससे तुमको रैंकिंग पता चल जाता है, मान लो 40 बच्चा ने एक पार्टिसिपेट क्विज में पार्टिसिपेट किया तो वहां तुमको पता चल जाएगा कि तुम कौन से प्लेस पे लाइक कर रहे हो, कौन सा तुम्हारा रैंकिंग है। इस टाइप का सारा फीचर कहाँ मिलता है जी, अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर है, तो वो तो सारी बातें आपको पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी? कहाँ हो भाई, जल्दी से एक बार कनेक्ट करो ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके एकदम से जोरदार तरीके से। तो इसको स्टार्ट करने के लिए साहब आपको पहले एक बार जुड़िए तभी तो कुछ आनंद आएगा। जल्दी से एक बार सभी लोग आ जाएं, और स्पेशल क्लासेस के ऊपर सारे एजुकेटर्स के और अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके भी बहुत फायदे हैं दोस्तों। उसमें आप अनलिमिटेड एक्सेस, जो कि मेरे को बहुत जोरदार मामला लगता है अनलिमिटेड एक्सेस वाला, मतलब आप एक एजुकेटर से मान लीजिए एक बैच के अंदर आपने इनरोल किया और उसके बाद आप सीएसआईआर नेट कैटेगरी में मान लीजिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया, तो आप सीएसआईआर नेट कैटेगरी में जितना एजुकेटर है, जितना भी एजुकेटर है, उन सबका वीडियो जो आप देख सकते हो, सबका कंटेंट आप देख सकते हो एक जेट। ये नहीं है कि आपने जिस बैच के अंदर इनरोल किया है उसी का, नहीं जी बिल्कुल सबका देख सकते हो जी एकदम से। जल्दी से एक बार कनेक्ट करोगे सारे दोस्तों ताकि मजा आए सेशन को स्टार्ट करने का। सेशन स्टार्ट करने का मजा तो तभी आएगा ना जब ये डिस्कशन है, डिस्कशन में तुम आओगे तभी मजा आएगा, डिस्कशन में तो तुम आओगे तभी मजा आएगा। इसके लिए काफी पॉसिबिलिटीज है जिनको हम डिस्कस करेंगे कि जो याद नहीं रहता इसका मामला क्या है। कहाँ हो भाई सब लोग, जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे, जल्दी से आएंगे। सर याद नहीं रहता, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्या नहीं रहता, क्यों नहीं रहता सर, ये क्वेश्चन था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जी वन बाय वन। तो जी स्टार्ट करते हैं, जिनको आना होगा मुन्ना लोग को बाद में आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे साथ में अपने, बिल्कुल जी। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले ना आपको लगता है कि मान लीजिए आपने कोई टॉपिक स्टार्ट किया, कोई भी आपने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया मान लीजिए पढ़ने के लिए, पहला रीजन, सबसे पहला तो याद नहीं रहता। उसके बाद हमें याद करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस पर भी बात करेंगे, याद क्यों नहीं रहता। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है सर, आपको ये एक टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक, लेट्स सपोज कुछ भी सपोज कर लो,
मान लीजिए आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, केमिस्ट्री का नहीं, कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी स्टूडेंट हो, एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी स्टूडेंट, सबके लिए ये वैलिड है साहब एकदम से। मान लीजिए आपने कोई एक्स टॉपिक ले लिया, एक्स टॉपिक ले लेते हैं क्यों, सब सब्जेक्ट का बच्चा आएगा, कोई एक्स टॉपिक ले लिया आप, कोई आप एक्स टॉपिक पढ़ रहे हो एक्स टॉपिक, और उस एक्स टॉपिक को आप पढ़ते टाइम पहली बात आपको क्या बोला, आप दो दोस्तों, आपके दोस्त ने बोला अच्छा यार ये नोट्स, तुमने बोला यार मैंने वो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, दोस्त को अरे तूने उनके नोट्स पढ़े, वो वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, वहां से मैंने फोटोकॉपी करवाया था उस दुकान से, वो वाला फोटोकॉपी में बहुत जोरदार दिया हुआ था, तो वो भी ले आए आप, एक वो फोटोकॉपी ले आए साहब घर पे, बुक लाके आपने कॉपी लाके रख ली एक कॉपी, आपको पता चला बगल वाले ने बताया कि यार वहां वाला कंटेंट क्या था, बस एकदम बस मामला गजब ही था, एक वो भी कर लिया साहब आपने, एक आपने कहीं से यूट्यूब से या कहीं से भी, मतलब आपके दोस्त ने बता दिया कि यार वहां ये टॉपिक था, वहां से आपने तीसरा मामला, चीजें सेम है, उसको आप चार जगह से पढ़ रहे हो एक ही चीज को, मींस चार नोट्स, याद ना रहने का तरीका बता रहा हूं एक मिनट रुको, अगर यही तरीका मतलब जो चीजें आपने चार एक ही टॉपिक, मान लीजिए यार हमारे पास U इज इक्वल टू क्यू प्लस W है, मान लीजिए एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन नहीं बदल जाएगा, सीपी ओवर सीवी गामा नहीं बदल जाएगा, मतलब ये क्या होता है कि एजुकेटर का सीक्वेंस और ये चेंज होता है, कंटेंट कोई नहीं बदल सकता साहब, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ जो स्टैंडर्ड बुक में है कुछ चार क्वेश्चन वो डाल दिए, अरे थ्योरी कौन बदल देगा भाई साहब, बैकबोंडिंग रहेगी कि नहीं रहेगी, उसको कौन चेंज कर सकता है। अब तुम्हारे साथ दिक्कत क्या होती है, अगर तुम्हारे खुद के नोट्स है, सबसे पहली बात मान लीजिए आपने एक ही टॉपिक किया, उसको पांच जगह से, जिसको बोलते हैं रिसोर्स, आप कहां से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपने पांच जगह से एक ही टॉपिक के पांच कॉपी ले आए, आप आजकल जमाना ही चल रहा है सर फोटोकॉपी का, जहां से पीडीएफ मिल गया फोटोकॉपी निकलवा लो सर, फोटोकॉपी निकलवा लो, और फोटोकॉपी निकलवा के आपने चार जगह से स्टार्ट कर दिया, ये चार जगह से चार कॉपी से पढ़ रहे हो आप एक साथ, ठीक है, आपके दिमाग में कुछ नहीं पता होगा। और यही चीज अगर आप एक कॉपी, आपके पास मान लीजिए एक नोट्स है आपके पास, और उस नोट्स को आप बार 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 पढ़ रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम तक आपने उसको 15 बार रिवाइज कर लिया, लेट्स सपोज मींस आपने जब बनाया था तब से लेकर आपने 6 महीने में उस कॉपी को 12-15 बार ऐसे देख लिया, तो एटलीस्ट लास्ट में जाके क्या होता है, आपको यहां तक पता चलने लग जाता है साहब कि किस पेज पे क्या लिखा हुआ था और किस पेज पे क्या नहीं लिखा हुआ था, अच्छा यार यहां तो कुछ वो लिखा हुआ था, और इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से याद कैसे किया जा सकता है, देखो आप पांच कॉपी से पढ़ोगे ना, आपको पता ही नहीं होगा कौन सी बुक में कौन सा फॉर्मूला था, कहां से क्या पढ़ा है तुमने, और वही तुम अगर एक कॉपी से पढ़ोगे, अपना माइंड जो है ह्यूमन माइंड ऐसा ही है साहब, आप एक ही चीज उसको बार बार दिखाओगे तो उसकी इमेज अपने दिमाग में परमानेंट बन जाती है साहब, परमानेंट, एकदम से परमानेंट, आप डेली जहां सोते हो उसके सामने कुछ लगा लीजिए, आप उसको डेली 10 मिनट देखिए, आपको बहुत ही लंबे टाइम, आप कहीं भी गए होंगे आपको वो चीजें एज इट इज जैसे दिखेगी, हाँ यार ये बिल्कुल ऐसा ही था, ठीक है, ऐसा ही क्या होता है सर, अपना एजुकेटर किस बेस पे सिलेक्ट करें सर, ये तो डिपेंड करता है जी आप कौन सा टॉपिक में जा रहे हो, मान लीजिए आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो कोई ऑर्गेनिक स्पेशलिस्ट होगा, कोई इनऑर्गेनिक स्पेशलिस्ट होगा, बट एक बात बता देता हूं, एजुकेटर करने के लिए आप पहले उनके लेक्चर्स देखिए, आपको पता चल जाता है जी, आजकल देखिए सबका मामला क्या है कि अगर मान लीजिए आप ऑर्गेनिक का टीचर ढूंढ रहे हैं तो आप देखिए कि ऑर्गेनिक पढ़ाने वाला सर कौन सा है जो ऑर्गेनिक में जबरदस्त क्वेश्चंस करवा रहा है, जबरदस्त थ्योरी आपको दे रहा है, मान लीजिए आपका वीक पॉइंट है फिजिकल या वीक पॉइंट है इनऑर्गेनिक, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से स्ट्रीम में सबसे ज्यादा बेनिफिट चाहिए या किस में आपका वीक पॉइंट है, डिपेंड उस पर करता है। उसके साथ साथ देखिए अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो एजुकेटर या कोई भी आप मान लीजिए कहीं से पढ़ रहे हैं, तो आपको एक बात तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है कहीं वो आपके लेवल का है या नहीं है। मान लीजिए आप तैयारी CSIR नेट की कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं जी JEE वाला, आ रही बात समझे भाई, आप पढ़ रहे हो JEE नीट का, JEE नीट प्लस टू लेवल के आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आपको बहुत नया लग रहा है वो, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा हुआ दोस्तों, आपने नहीं पढ़ा हुआ, आकाश मान लो आपने वो चीज नहीं पढ़ रखी और आपको ऐसी चीज बता दी गई है, आप कहोगे वाह यार क्या बात है ये तो पता ही नहीं था, बट वो आपके एग्जाम में अगर आ ही नहीं रही तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं है साहब। हाँ नॉलेज आपका बढ़ रहा है, बढ़िया बात है, बट हमारा जो एम है कि हमको CSIR निकालना है 6 महीने में 4 महीने में, तो वो उस पॉइंट ऑफ से आपको जरूर देखना है कि टाइप ऑफ कंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, कंटेंट क्या है, मामला क्या है कंटेंट का, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है साहब, ठीक है।
वो आजकल आपको पता चल ही जाता है जी, आप दो क्लास लगाओगे पता ही चल जाता है जी एकदम से। तो मैं यहां बात कर रहा था साहब, जो अपना ह्यूमन माइंड है आप उसको बार बार कोई चीज दिखाओगे तो उसकी एक छाप अपने अंदर में परमानेंट हो जाती है। सर इसको कैसे किया जाए, मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं दोस्तों आपके साथ कि मान लीजिए अपन नोट्स बना रहा है, एक तो ये मत करने का एक ही चीज को 10 कॉपी से पढ़ेगा आपको पता ही नहीं रहेगा भाई साहब। और एक जितनी ज्यादा ट्रिक बना के तुम याद रखोगे चीजों को, ट्रिक से जितनी ज्यादा ट्रिक से याद रखोगे चीजें वो लंबे टाइम तक तुमको याद रहेगी। अपनी खुद की बनाया करो यार, कुछ भी बना लो, ऊट पटांग कुछ भी बना दिया करो, तुम्हें किसी को कोई उसमें कोई रिसर्च पेपर में थोड़े ना देना है, अपना कुछ भी बनाओ जो तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहे। बेसिकली हमें को याद ही रखना है ना। मैं एक तरीका बताता हूं तुमको क्या करना चाहिए कि याद नहीं होता उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं ये बोलता हूं कि आप जब नोट्स बना रहे हो ना, आप मान लीजिए अपनी कॉपी बना रहे हो, आप अपनी कॉपी बना रहे हो, ये वाली कॉपी मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं मैं, मान लीजिए आप कॉपी बना रहे हो, मैं कहता हूं उस कॉपी पे तुमने कुछ पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी, शॉर्ट नोट्स है आपने कुछ लिख दिया सर उसमें, शॉर्ट नोट्स है मींस ये आपके क्लास के नोट्स है आपने कुछ ऐसा लिख दिया, उस पेज के ऊपर जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है या आपको याद नहीं हो रहा उस पेज पे कुछ ऐसा लिख दो, कहीं एक कोने में कुछ ऐसा लिख दो जो आपको मीन्स या तो थोड़ा सा मतलब कुछ भी क्रिएटिव हो, जैसे अपने फ्रेंड का नाम लिख दिया, कुछ भी ऊटपटांग, कुछ भी ऐसा भी अपने दोस्त के बारे में लिख दिया। मेरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा कि जो लंबे टाइम तक कैसे याद होता है। मान लीजिए यहाँ आपने कुछ भी लिख दिया साहब जो आपको मतलब बहुत हंसी मजाक वाला लग रहा हो, किसी के बारे में अपने फ्रेंड के बारे में कुछ ऐसा जो आपको बार बार मतलब याद रहता हो या ऐसा लगता हो जब आप उसको देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये चीज लिखोगे तो जब आप ये पेज खोलोगे ना, ये पेज जब वो चीज आपके सामने आएगी तो ये चीज तो आपको याद रहे ना रहे ये कन्फर्म रहेगा जी आपने जो ऊट पटांग कुछ लिखा हुआ है, जो आपने कुछ क्रिएटिव किया हुआ है, और वो चीज आप जब देखोगे दोस्तों अगर लिखा हुआ, अब नहीं आप चार दिन बाद पांच दिन बाद आपको पता आएगा अच्छा यार क्या लिखा हुआ था, वो चीज दिमाग में आएगी ना तुम्हारे को, ये पता चलेगा उस पेज पे क्या लिखा हुआ था। ये क्या होता है, ये अपना दो टाइप का माइंड है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस जिसको बोलते हैं। तो यहां अपने पास ये चीजें क्या है बहुत लंबे टाइम तक परमानेंट मेमोरी के अंदर चला जाता है जी, अपने परमानेंट मेमोरी के अंदर। आपने ये मेमोरी वाला अगर कोई बीएड कर रहा होगा तो उसको पता होगा साहब, बीएड के अंदर जब तुम बीएड करते हो तो साइकोलॉजी के अंदर ये सारी टर्म्स आती है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, अपने कितने टाइप की होती है। कई बार क्या होता है कि कोई चीज अपने को एक बार दिखा दी जाती है और वो अपने को क्या है कि एक मिनट जैसे आप चल रहे हो बस के अंदर और आपकी एकदम नजर पड़ी और 30 सेकंड के लिए आपके दिमाग के, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब आपने एक बार देखा और देखने के बाद वो 30 सेकंड के लिए आपके सामने थी उसके बाद गायब चीज एकदम से, ठीक है। तो इसका मतलब ये था, मैंने ये बुलाया आपको कि कोई भी ऐसा ऊट पटांग जहां भी आप अपने नोट्स बना रहे हो कुछ ऐसा लिख दो जो आपको बहुत ही फनी लगता हो। अब मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं दोस्तों क्या है, साहब एक बात सुनिए मेरी, स्पेशलाइजेशन की बात बताता हूं जो आप बोल रहे हो कि कैसे। देखो स्पेशलिस्ट का मतलब ये है कि जिस एजुकेटर ने मान लीजिए एग्जाम क्रैक किया है, सिंपल सी बात है आकाश आपकी बात जो बात बोल रहे हो बात सुनिए, मान लीजिए किसी ने सीएसआईआर नेट क्रैक किया है ठीक है, तो जब उसने क्रैक किया होगा तो उसने ये तो नहीं है ना कि उसने एक ही टॉपिक पढ़ा होगा, मान लीजिए उसने ऑर्गेनिक से किया होगा या इनऑर्गेनिक किसी के, ऐसा तो नहीं है ना उसने एक ही टॉपिक से तो नहीं किया होगा। तो होता क्या है कि दोस्तों जो एजुकेटर पढ़ा रहा है मतलब वो टॉपिक वही पढ़ा रहा होगा। देखिए ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक बहुत बड़ा टॉपिक है। मान लीजिए एमएससी टाइम पे किसी एजुकेटर का पेरिसाइक्लिक बहुत बढ़िया था, ठीक है, या किसी का कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया था, उसके बाद मान लीजिए उसका इंटरेस्ट किसमें था, इनऑर्गेनिक में था, उसने इनऑर्गेनिक का 5-10 बुक पढ़ दिया, बट ऑर्गेनिक में उसने मान लीजिए पेरिसाइक्लिक उसका बढ़िया था, उसने पेरिसाइक्लिक को दबा के पढ़ दिया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा है वो ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा सकता। अब ऑर्गेनिक में भी तो स्पेशलाइजेशन टॉपिक्स होते हैं ना, किसी का कोई बढ़िया टॉपिक है भाई, कोई बंदा पेरिसाइक्लिक पढ़ा रहा है जबरदस्त है उसका बंदे का पेरिसाइक्लिक, आ रही है बात समझ में, और कोई मेन ग्रुप करा रहा है उसका मेन ग्रुप बढ़िया है, तो ये नहीं है कि जो मेन ग्रुप करा रहा है वो इनऑर्गेनिक का तो वो पेरिसाइक्लिक नहीं करवा सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसे जज नहीं कर सकते आप कभी भी, इस टाइप से आप कभी भी जज नहीं कर सकते दोस्तों 1% भी, क्योंकि जिसने क्लियर किया होगा उसने ये तो है नहीं कि साहब ऑर्गेनिक में स्पेशलाइजेशन है, तो स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि उसके पास एमएससी में मान लीजिए उसने इनऑर्गेनिक लिया हुआ था स्पेशलाइजेशन उसका इंटरेस्ट था, तो ये थोड़ा ना है कि उसने ऑर्गेनिक पढ़ा ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये थोड़ा ना उसने इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ा, फिजिकल के बारे में उसको नहीं पता, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तरीके होते हैं अपने अपने, मान लीजिए ऑर्गेनिक में वो आपको कई बार क्या होता है कि कोई एक स्पेशलिस्ट पढ़ा रहा है और एक ऐसा एग्जाम है जो टीचर है वो क्या है कि उसने अपने खुद के टाइम पे कैसे तैयारी की है वो आपको डायरेक्ट वही कंटेंट दे दे कि जैसे मैंने तैयारी की। मान लो कोई भी एग्जाम कोई भी एजुकेटर है मान लो उसने उस तरह से तैयारी की है, मान लो तीनों सब्जेक्ट में से एक किसी को भी मुश्किल लगता है उसको मुश्किल लग रहा था
और उसने क्या किया, अपना कोई तरीका बनाया कि यार मेरे को रिएजेंट इस तरीके से पढ़ना चाहिए, मतलब डायरेक्ट मेरा क्वेश्चन बन जाए, नॉलेज मेरे को कितना भी हो, अगर वो तुमको डायरेक्ट डिलीवर कर दे कोई ऑर्गेनिक का जिसको ऑर्गेनिक मुश्किल लगती हो, तो लो भाई उसका 4-10 नंबर का काम निकल गया तो बस बढ़िया मामला। तो ऐसे आप एजुकेटर को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। सर व्हेन विल बी द पार्ट बी स्ट्रेटजी अपलोड, इट्स 31st तक, आज क्या हो गया 27, इस महीने के अंदर अंदर हो जाएगा साहब वो वाला, ये बात इस महीने के अंदर अंदर। अब देखो जो बात मैं तुमको बता रहा था उस पे चलते हैं सब। तो आकाश ऐसा कुछ नहीं है कि एजुकेटर एक चीज जो पढ़ा रहा वो दूसरा नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा सकता जी, कोई दिक्कत नहीं उस चीज के अंदर, क्योंकि सबको, ये देखो अब ऑर्गेनिक पढ़ा रहा तो ये नहीं है कि उसको इनऑर्गेनिक नहीं आती होगी या उसको ऑर्गेनिक नहीं आती होगी, ऐसा नहीं होता जी, ठीक है। बुक पढ़ना, बुक स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, अब कल को तुम क्या, आज चारों चीज तुम कल आज क्लियर करने के लिए, सीएसआई नेट क्लियर करने के लिए तुम फिजिकल भी पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक भी पढ़ रहे हो, इनऑर्गेनिक भी पढ़ रहे हो दोस्तों। ठीक है जी, अब देखो मैंने तुमको एक बात बताई कि क्या करना चाहिए, एक तो ये वाली चीज, एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ दोस्तों आपके साथ। मैं बोलता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं कभी पढ़ रहा हूँ ऐसे, और मेरे साथ में मेरा दोस्त बैठा है, कॉपी पे हम नोट्स बना रहे हैं अपने एग्जाम के अंदर बैठकर, ठीक है साहब। अगर एग्जाम पे अब क्लास में क्लास चल रही है, यहाँ टीचर खड़े पढ़ा रहे हैं साहब, और आपको दोनों को बातें करनी है साहब, आप नोट्स तो बना ही रहे हो, आप उसको लिख लिख के कुछ बता रहे हो, इसको ये आपको कुछ कुछ लिख के बता रहा है, ठीक है, और इधर आपका नोट्स चल रहा है जी जबरदस्त एकदम करारा मामला चला रहा है, कोई क्वांटम चल रहा है, कोई थर्मो चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मतलब आप जबरदस्त फॉर्मूले लिख रहे हो कुछ भी, ठीक है, पेरिसाइक्लिक कुछ रिएजेंट कुछ भी चल रहा है। जब ये चीजें आपकी यहां, ये तो क्लास थी मान लो 40 मिनट की, इसमें 2-4 सेंटेंस अदल बदल हुए दोनों के, और वो कॉपी का पेज पलट दिया गया और अगले नोट्स पे चले गए, अब वो जब आप वो क्लास एंड हो गई, आप रिवीजन का टाइम आता है, तो जब आपके सामने ये चीज लिखी हुई आती है ना, जो ये आपने उस दिन लिखी थी, अब आपको ये तो एकदम से याद रहेगी और ये याद रहेगी, तो इसके साथ में कुछ ना कुछ लपेट में ये भी आएगा जी एकदम से। तो ये मेरा कहने का मतलब था कि आप जो पढ़ रहे हो, आप उस नोट्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डालिए जो आपको लंबे टाइम तक याद रहे उन नोट्स के अंदर एकदम से। क्या बात, वीडियो रुक गया है क्या दोस्तों, वीडियो रुक गया है क्या सर, एकदम से ठीक है दोस्तों, बिल्कुल मोस्ट वेलकम आकाश। आकाश ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसा करना है कि जो भी नोट्स बनाना है, एक तो वो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, इसके अलावा देखिए दोस्तों खुद का नोट्स जब तक तुम नहीं बनाओगे, आजकल क्या टाइम चल रहा है, तुम लोग हो गए हो मॉडर्न, मॉडर्न लोग हो गए हो तुम एकदम से, तुम्हारा क्या मामला चलता है सर, स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया साहब, पीडीएफ मिल गया, इधर से मिल गया, उधर से मिल गया, इस टेलीग्राम चैनल से मिल गया, वहां से मिल गया, इनको इकट्ठा कर लिया फोन के अंदर, मोबाइल के अंदर भर लिया सर आपने, ये सारी चीजें आपने मोबाइल के अंदर एकदम, एक जर्नल क्यूरीज का सेशन लेके आइए सर, जिसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकें सर अच्छे से, बिल्कुल पूछ सकते हो साहब आपका क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम सर, बिल्कुल पूछ सकते हो जी। तो देखिए अगर ये वाली अगर नोट्स की बात करूं मैं, तो खुद का नोट्स आप बनाओगे ना, उससे बेस्ट कुछ नहीं है जी दुनिया के अंदर। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप पीडीएफ ले लो, चाहे आप किसी की कॉपी फोटोकॉपी करवा लो, ये ट्रेंड बहुत चले हुए हैं साहब बहुत ज्यादा, जब से ऑनलाइन मामला बना है सबकी एक ही आदत बिगड़ी है, सबसे ज्यादा स्क्रीनशॉट, किसी का वो मोबाइल देख लो उसके अंदर ढेरों स्क्रीनशॉट होंगे। अभी आज ये क्लास देखी, इसका स्क्रीनशॉट, आंगली ऐसे उंगलियों को फेरा स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीनशॉट हो गया, कम से कम किसी के 4000 होंगे। एक दिन एक स्टूडेंट बोल रहा कि सर मेरे पास 4000 स्क्रीनशॉट है, अगर मैं वो भी पढ़ लूं तो मेरा नेट क्लियर हो जाए, तो वो पढ़ लूं जब है ना, स्क्रीनशॉट से नहीं पढ़ा जा सकता दोस्तों, ना पीडीएफ से पढ़ा जा सकता, ये एक थोड़े टाइम के लिए मान लीजिए आप 10 मिनट पढ़ रहे हो तो काम देता है, सबसे बेस्ट है कॉपी के अंदर नोट्स बनाओ दोस्तों, कॉपी के अंदर एकदम से। जब तक कॉपी के अंदर नोट्स नहीं बनाओगे और ये स्क्रीनशॉट और ये इकट्ठे करते रहोगे, जब एग्जाम आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां से पढूं, क्या पढूं, कौन सा स्क्रीनशॉट है। मान लीजिए आपने आज दिन में 3 क्लास लगाई, ऑर्गेनिक की लगाई, इनऑर्गेनिक की लगाई, फिजिकल की लगाई, आपने दोनों का 10-10, 20-20 स्क्रीनशॉट ले लिया, आपके पास 60 स्क्रीनशॉट हो गया एक दिन के अंदर, और पहले इनऑर्गेनिक के लिया, फिजिकल के लिया, ऑर्गेनिक के लिया, और अगले दिन फिर ऐसे ही ले लिया, तो आपको लास्ट में पता ही नहीं चलेगा कि कहां से क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है साहब आपको क्या करना चाहिए, खुद का नोट्स बनाना चाहिए। जब तक खुद का नोट्स नहीं बनाओगे, मेहनत नहीं करोगे, यही मेहनत है, और भाई साहब कोई गधे की तरह मेहनत थोड़ी ना करनी है कि रात को जागना है 16-16 घंटे पढ़ना है। सीएसआईआर नेट का एग्जाम कोई 16-18 घंटे पढ़ने वाला नहीं है भाई साहब, कोई बोल दे कि 18 घंटे पढ़ोगे तो सीएसआईआर होगा, 16 घंटे पढ़ोगे, आप 6-7 घंटे पढ़ के भी सीएसआईआर नेट निकाल सकते हो दोस्तों। हार्ड स्टडी ये नहीं करना है जी,
कि स्क्रीनशॉट इकट्ठा कर लिया है फोन के अंदर। तुम में से कितने लोग हैं जिनके पास क्या नहीं है सर? सर आपने फिजिकल केमिस्ट्री को देखो भाई साहब, फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा एक ही तरीका था, फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा एक ही तरीका था कि मुझको थ्योरी आए ना आए, मुझको डेरिवेशन आए ना आए, ठीक है, मुझसे कोई नहीं पूछने वाला कि सर आपको डेरिवेशन आता है क्या, मुझको कोई नहीं पूछना कि थर्ड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन का आप डेरिवेटिव बना दोगे पैरेलल रिएक्शन के लिए, सीरीज ऑफ रिएक्शन के लिए, पैरेलल रिएक्शन के लिए, लिंडरमैन थ्योरी के लिए, इन सब के लिए, कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। मेरे देवाशीष बोल रहे हैं मेरे फोन में कुछ 2-3 हज़ार स्क्रीन, तो मैं ये एक्सपीरियंस कोई ऐसे नहीं बता रहा हूं दोस्तों, ये चल रहा है आजकल ट्रेंड कि आप स्क्रीनशॉट जो क्लास देखा आपने स्क्रीनशॉट लिया और लिखने की हिम्मत है नहीं सर किसी की। फिजिकल के अंदर सर मेरा मामला ऐसा था, मैं बता देता हूं आपको, जैसे मैं अभी आपको सॉलिड स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा था, मैंने आपको बताया था, आप सॉलिड स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं हर बार पार्ट बी एंड पार्ट सी के अंदर, एकदम से करेक्ट बोल रहा हूं, ठीक है। आप देखिएगा अब तक हमने कम से कम 2017 तक के लगा लिए, 2020 से लेकर 2020 से 2017 सिर्फ 4 फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा था दोस्तों, इंटरप्लेनर डिस्टेंस और इसके अलावा अपने पास वो जो क्या कहते हैं एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, आई बात समझ। और तरीके कुछ नहीं बदल रहे, कभी तो साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा था, कभी लैम्डा निकलवा रहा था, कभी डी निकलवा रहा था, कभी इनका रिलेशन निकलवा रहा था। कम से कम 20 क्वेश्चन, कम से 20 क्वेश्चन जी हम उस पर लगा चुके हैं। तो आप मुझको ये बताइए, हाँ आप पढ़िए एक बार थ्योरी जरूर पढ़िए, मैं नहीं कहता नहीं पढ़िए, एक बार तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, एक बार पढ़ना मांगता है। प्लस टू में तुमने सॉलिड स्टेट पढ़ा, अब थोड़ा सा आपको क्या चलता है जी, मिलर इंडिसेस वगैरह ये आ जाते हैं जो कि आपने बीएससी में पढ़े होते हैं, ठीक है। एक आपको प्लेन बनाना आना चाहिए, सॉलिड स्टेट के अंदर बात कर रहा हूं। तो आपको फिजिकल के अंदर अगर आपको फॉर्मूला हाथ में आ गया ना, तो आप सबसे आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हो। और नेट और गेट में, नेट में आसान क्यों है दोस्तों, क्योंकि गेट के अंदर तो कैलकुलेटर आपके पास है, तो एग्जामिनर कुछ भी डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है एग्जामिनर गेट के अंदर। बट नेट के अंदर आपके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट, क्या बेनिफिट है, अभी तक नेट के अंदर कैलकुलेशन जो है ना, कैलकुलेशन वो टफ नहीं आ रहा साहब, अभी तक नहीं आ रहा है, आपने देखा होगा अभी तक कोई कैलकुलेशन टफ नहीं आ रहा। आपके पास सिंपल ऐसा एग्जामिनर डालता है कि वो आप इजिली सोल्व कर सको उस क्वेश्चन को, समझे, मतलब अब तक आपके पास फिजिकल का मामला टफ नहीं है नेट में। अगर आपको फॉर्मूला पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, अगर वो ट्रेंड भी आपने पकड़ लिया, तो फिजिकल के आप बहुत इजीली से क्वेश्चन लगा सकते हो। एक बात और, आपको क्वेश्चन तो दोस्तों 25 ही करना है, टॉपिक कितने हैं ये तो देख लो, टॉपिक कितने हैं, 7-7 क्वेश्चन आता है ओएमसी से, 6-7 क्वेश्चन पूछ रहा है मेन ग्रुप से अभी वो लगातार। इसके अलावा ऑर्गेनिक में तो मामला भरा ही पड़ा है साहब, नेम रिएक्शन रीएजेंट और ग्रुप थ्योरी हो गया जी, फिक्स मार्क, एक क्वेश्चन फिक्स है ग्रुप थ्योरी 4 मार्क्स, सॉलिड स्टेट एक क्वेश्चन फिक्स है सर 4 मार्क्स। बोलो अगर तुमने, अगर स्ट्रेटेजी एकदम से बढ़िया बना ली दोस्तों, तो तुम क्या करोगे, उस एग्जाम को निकालना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए मैं तुमको सबसे पहले तो यही बोलूंगा कि जो भी दोस्त, जो भी भाई बंधु है, अगर वो नोट्स नहीं बना रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है दोस्तों। एक तो दोस्त तुम्हें अभी काम आएगा नोट्स, एक तुम्हारी जिंदगी में आगे भी काम आएगा। कोई एक नेट ही अपना एम नहीं है कि बस नेट निकाल लिया सर, नेट निकल गया, उसके बाद भी तो काम आएगा कि नहीं आएगा सर, यार बताओ। लेक्चर चालू है तब लेक्चर खत्म होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग देखकर, देखो भाई साहब जो अब तुम स्क्रीनशॉट वाला काम कर रहे हो ना, वो स्क्रीनशॉट वाला जो काम कर रहे हो तुम एक बार क्लास को पढ़ते टाइम तो रफ कॉपी अपने साथ रखो, अगर एग्जाम आपको पढ़ाते टाइम कोई क्वेश्चन आता है तो उसको खुद से सोल्व करो, उसी टाइम जो आपको टाइम दिया जाता है उसी 1-2 मिनट में उस क्वेश्चन को सोल्व कर लो एकदम से, ठीक है। और सोल्व करने के बाद मैं बोलता हूं जो तुमने स्क्रीनशॉट लिए, कोई अच्छा सा स्क्रीन पे आ गया तुम्हारे पास मामला, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नहीं कहता लो लो। लेने के बाद जैसे क्लास एंड होगी, जैसे आप फ्री हुए, उसी मटेरियल को आप अपनी कॉपी में लिख लो और स्क्रीनशॉट को उसी टाइम डिलीट मारो एकदम से, उसको कॉपी में उतारो एज इट इज, डिलीट कर दो स्क्रीनशॉट को, क्योंकि जब जब तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट इकट्ठे हो जाएंगे तुम्हारा मामला सारा खत्म, तुम पढ़ोगे नहीं फिर। पहले 10 होंगे, तुम रात को बैठे बैठे फोन में 10 स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हो, 20 पढ़ लोगे, 20-30 पढ़ लोगे, जैसे ही वो 100 प्लस होने लगेंगे आप नहीं पढ़ोगे, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे सर, बिल्कुल। अगर आप पेप पे देख रहे हो तो आप पहले, आपके पास पीडीएफ मिल जाती है, पीडीएफ से अपना नोट्स बनाइएगा, नोट्स जरूर बनाएगा, चाहे आपको पीडीएफ मिल रही है, चाहे आप स्क्रीनशॉट यूट्यूब पे देख रहे हो, आप स्क्रीनशॉट मिल रहा है आपको, तो आप जरूर, मैं तो कहता हूं दोस्तों आपको खुद का नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा। ये जो स्क्रीनशॉट वाला है, ये जो फोटोकॉपी वाला मामला है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है जी। आजकल दुनिया भर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे, यहां से
डाउनलोड करें ये कंटेंट वो कंटेंट। मैं कहता हूं भाई साहब जो खुद के हाथ के लिखे हुए ना, हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं एकदम आपको परफेक्ट, उनसे ज्यादा कोई कामयाबी नहीं दी जा सकता। चाहे आप दुनिया भर के नोट्स पढ़ लो, जो खुद का लिखा होगा वो आपको जल्दी, एक तो जल्दी याद होगा सर, एक तो आपको जल्दी याद होगा दोस्तों जो खुद का पढ़ा होगा। तो इन चीजों को अवॉइड करें सबसे ज्यादा दोस्तों, मैं तो यही बोलूंगा। स्क्रीनशॉट वाला मामला मॉडर्न जरूर हो पर मेहनत करनी पड़ेगी जी, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क इसको कि तुम स्ट्रेटजी कैसे बना रहे हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मुझको सर 25 क्वेश्चन लगाना होता है 35 लगाना होता है मुझको टोटल नंबर, अरे तुमने 110 मार्क्स मार दिया तो क्लियर है भाई साहब, जेआरपी हो गया 110 में तीन मान लो, और 25 अगर तुम यहाँ 25 में से कितने लगा लोगे, कम से कम कुछ तो लगाओगे और कुछ बी में लगाओगे, बट यहाँ तुम्हारा सिलेक्शन गलत होता है। और लोग क्या करते हैं ज्यादा टॉपिक पढ़ लेते हैं और फिर दो दो ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं जिनसे, और दो में वो लगाते हैं जी तुक्का, और तुक्का दुनिया का ही नहीं लगता, तुम्हारा कहां से लगेगा जी, तुक्का लगता ही नहीं है, तुमको ही पता है चार लगाओगे एक सही लगेगा तीन गलत लगेंगे जी, और तुक्के की जो सोच के जाएगा मैं कहता हूं नहीं होगा जी क्लियर, एकदम ही नहीं होगा। अगर आपको 50% देखो CSIR नेट में सब, तुम चाहे ऑर्गेनिक ना पढ़ के गए हो फिर भी दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे आप, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा रखे ना आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे दोस्तों, दो ऑप्शन एकदम से एलिमिनेट कर दोगे आप। बात तो दो ही ऑप्शन पे आती है साहब, दो ऑप्शन वाला तुक्का तब लगा सकते हो आपने मान लीजिए 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं जी एकदम से बढ़िया वाले, और एक क्वेश्चन को रिस्क लेना चाहता है कोई ले सकता है जी एकदम से, ठीक है। तो आकाश नोट्स वाला तुमको मैंने बता दिया, नोट्स तो बनाओ जी जरूर, फोटोकॉपी आपको मिलती है लो, कंटेंट देखो बट खुद का जरूर लिखो, कुछ एक्स्ट्रा है कहीं फोटोकॉपी में आपने लेके आए हो उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको अपनी कॉपी में पेल दो, उसी को अपनी कॉपी के अंदर उसी टाइम पेल दो दोस्तों। और ये वाली चीज जरूर ध्यान रखना जी, ये वाली कहीं भी आप नोट्स बना रहे हो उस पर कुछ भी ऊट पटांग कुछ भी लिखोगे जो लंबे टाइम तक आपको याद रहे, कुछ भी जी, कुछ भी बोला मतलब कुछ भी, ठीक है। तो ये चीजें दोस्तों आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि कैसे क्या चीजें आपके लिए सही होगी क्या नहीं होगी। ये था जी अपना मामला कि जो चीजें याद नहीं होती ना उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम एक ही टॉपिक को 10 नोट्स से पढ़ रहे हैं। मान लीजिए थर्मो पढ़ रहे हैं और थर्मो की चार कॉपी ले रखी है, चार टाइप के नोट्स ले रखे हैं, फलाने एजुकेटर के, ढिमकाने एजुकेटर के। अरे एजुकेटर के तो ठीक है भाई साहब, खुद भी तो बना लो, खुद बना लोगे एक का ही बना लोगे वही काम आएगा ना, तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स लॉ बदलने वाला, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। और जितना एक और बात सुन लो भाई साहब, एक बात और सुन लो, बेस्ट मेथड में तो यही है खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बेस्ट मेथड में। एक बात और लिख लो, खुद का नोट्स बना रहे हो और जो नया क्वेश्चन आता है ना तुमको लगता है कि स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है उसको अपनी कॉपी में डाल दो, कॉपी में डाल दो उसी दिन ही डाल दो, वेट मत करो उसका। अगर आपको नया टॉपिक मिल गया, नया कंसेप्ट मिल गया या कोई ट्रिक बता दी किसी एजुकेटर ने आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, दो मेथड है किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। मान लीजिए अभी सॉलिड वाले में मैं एक क्वेश्चन के साथ तुम्हारे साथ डील किया था मैंने, 2018 जून का ही था शायद, 2018 जून का था कि 17 जून का था, उसको दो मेथड से किया जा सकता था, एक ऑप्शन से किया जा सकता था और एक कैसे अपना पूरा डी वाला मेथड लगा के DYAHK² वगैरह करके दो प्लेन के बीच, और उसी क्वेश्चन को हम सिर्फ आंखों में सोल्व कर सकते थे, मैंने तुमको तरीका बताया था। तो ऐसे वाली चीज होती है ना उनको वहां से निकाल के और अपने नोट्स में रख लिया करो, भाई ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो मैं भी सोल्व कर रहा था, क्वेश्चन आप भी सोल्व कर रहे थे, ठीक है, बस अप्रोच अलग थी, एक लेंथी मेथड से जा रहा था स्टूडेंट आंसर वहीं पहुंच रहा था, और एक क्या था बस उसने क्या किया, अच्छा यहां प्लेन दिया हुआ था सर 2, 1 और 3, अगला प्लेन दिया हुआ था जी मेरे को 4, 2 और 6 का, और एक प्लेन दिया हुआ था जी मेरे को 8 और मेरे पास 4 और 12 वाला, बस यहां से तुम एक तो कैलकुलेशन में जाओगे एच की वैल्यू के की वैल्यू और डी की वैल्यू एक डायरेक्ट जी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, 2 का 4 दिया हुआ है, 2 का 8 दिया हुआ है, 1 का 2 दिया हुआ है और 2 का 4 दिया हुआ है, 3 का 6 दिया हुआ है, अच्छा कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है सर। ये जो चीज होती है ना कि ऐसा क्वेश्चन आता है और ये आया हुआ क्वेश्चन है CSIR नेट में जी, सर अगर हम अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो एग्जाम फिर हम इंटरव्यू के क्वेश्चन, तो भाई साहब मैंने ये भी तो बोला है कि एक बार आप थ्योरी जरूर पढ़ो, ये भी तो बोला है मैंने एक बार थ्योरी जरूर पढ़ो, ये नहीं बोला कि डायरेक्ट आ जाओ। हाँ एग्जाम अब तुम्हारे पास 2 महीने पड़े भाई साहब, अभी तुम्हारे पास मान लीजिए 3 महीने पड़े हैं, अभी कोई स्टूडेंट पूछेगा सर बुक पढ़ लूं, भाई थ्योरी के लिए तो देखो जो, पर एक बात सुनो मेरी बात, एक बात सुन लो मेरी बात, तुम अगर तुम एक बात बोल रहे हो
कि सर हम इंटरव्यू में कैसे फेस करेंगे, तो इंटरव्यू तो जब जाओगे ना, जब तुम क्रैक करोगे सीएसआईआर नेट, भाई पीएचडी के लिए जा रहे हो तो इंटरव्यू तो तब दोगे ना जब पहले क्रैक कर लोगे। तो क्रैक करने के लिए पहले तो पहला एक पड़ाव तो पार करो। देखो जो ज्ञान आना है, नॉलेज आनी है, वो तो मैं बता देता हूं, बुक से आएगा साहब, बुक से आएगा एकदम से बुक से। और बुक पढ़ने का टाइम होता है एमएससी के दौरान, और उसके बाद जब आपका एग्जाम क्लियर हो गया, आपने पहला अटेम्प्ट दे दिया, नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हो, आपको सिलेबस पता है, एक बार सब आप गो थ्रू हो चुके हो, फिर आप बुक को उठाओ। पहले अटेम्प्ट में दे रहे हो, आप बुक लेके बैठे हो, कुछ भी नहीं बनेगा जी, कुछ भी। आप कोई कह दे मैं क्लेडन पढ़ूंगा साहब, क्लियर कर लूंगा, आज स्टार्ट कर दिया क्लेडन, नहीं होगा जी। क्लेडन पढ़ लोगे, बाकी भी तो पढ़ना पड़ेगा भाई साहब। और टाइम जब भी कभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, अगर मान लीजिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आपको 3 महीने 4 महीने 6 महीने के अंदर क्रैक करना होता है, आपको पता है कि सीएसआईआर नेट में कोई दायरा नहीं है, कुछ भी एग्जामिनर डाल सकता है, उसको कोई ये नहीं बोल सकता कि आपने क्या डाल दिया। अरे बात समझे सर, ट्रांस सीरीज को कैसे ट्रिक्स है थोड़ा बता देंगे जी, क्वेश्चन कल ऐप के ऊपर अगले जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर डाल देंगे एक क्वेश्चन ट्रांस का, और उसमें बता देंगे दोस्तों, ट्रांस सीरीज का एक क्वेश्चन डाल देंगे और उसमें बता देंगे जी ट्रिक भी, ठीक है जी। तो आकाश पहले तो क्या करो, देखो आपको कोई एजुकेटर, अगर मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैंने आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के बारे में बता दिया सब कुछ, रिडक्टिव एलिमिनेशन के बारे में बता दिया सब कुछ, तो ये आपके लिए क्या है, ये ज्ञान ही तो है। क्वेश्चन सोल्व करे तो उस टाइम पे सारी चीजें कंसेप्ट, देखो भाई कोई भी कंसेप्ट क्लियर होगा, मान लीजिए एल लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा कर रहे हो आप, इस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। थ्योरी पढ़नी है तो आपको बाद में अपना देख लेना, जब इंटरव्यू देने जाओगे तो कोई टॉपिक तो स्पेसिफिक होगा आपका, भाई आपको किस फील्ड में करना है रिसर्च, आ रही बात समझे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सबसे पहले जो चीजें अवॉइड करनी है, सबसे पहले इसको अवॉइड करने का मतलब ये नहीं है कि फोटोकॉपी नहीं करवाना है जी। अगर कुछ नया लगे आपको, कोई नया टॉपिक लगे, कोई नई चीज आपको दिखे, कोई नया ट्रिक मिले, नया क्वेश्चन मिले, तो उसको अपनी कॉपी में ले आओ, वहीं मत रहने दो उसको, अपनी कॉपी में ले आओ, खुद का नोट्स। ये भाई साहब ये मैं कहता हूं कि ये क्या है, जड़ी बूटी है, सजीवनी बूटी है, कुछ भी मान लो, इसको जो नाम देना है दे लो साहब इसको, खुद का नोट्स दोस्तों नहीं बनाओगे, स्क्रीनशॉट के बेस पे चलोगे, नहीं बनेगा मामला जी। डिसलाइक वाले को पसंद नहीं आया जी किसी को, तो पूछ लो भाई साहब क्या नहीं पसंद आया है, ठीक है। बाकी कोई मेरा कोई ये नहीं है कि मैंने थोप दिया तुमके ऊपर के नोट्स बनाना है, भाई मत बनाओ, अपनी मर्जी है, सारे अपनी मर्जी से तो करेंगे। मैंने बोला नोट्स बनाओ तो मेरा बोलने से नहीं बनाओगे तो मेरा कुछ नहीं जा रहा भाई साहब। तो मैं तो एक सही बता रहा हूं आपको, खुद का नोट्स जितना तुम्हारा खुद का होगा, खुद का ही होता भाई साहब, और तुमको रियलाइज होगा जब तुम्हारा क्लियर भी हो जाएगा और तुम्हारे पास सिर्फ स्क्रीनशॉट बचे होंगे, क्या पता स्क्रीनशॉट से तुम्हारा क्लियर भी हो जाए, पर ये अपना एक नेट क्लियर करना ही तो एम नहीं है। उसके बाद तुमको मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तो उस टाइम भी तुमको तैयारी करना पड़ेगा, सिलेबस सेम ही रहने वाला है साहब एकदम से, फिर तुम दोबारा स्क्रीनशॉट लोगे जी, बताओ रे एक बार, फिर दोबारा स्क्रीनशॉट लोगे क्या, बोलो भाई साहब, बोलिएगा साहब जी। बोलो भाई क्या झटका लग गया देवसी साहब को आज, पूरा झटका लगा सर आज तो, क्या हो गया, ऐसा क्या बोल दिया जी साहब ने। हमारे सर ने कहा कि जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा क्या है कि जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है वो गेट क्रैक नहीं कर सकता, ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई साहब। कोई मैथ का क्वेश्चन थोड़ा ना करके आना है तुमको, केमिस्ट्री का करके आना है, लॉग का 10 प्रॉपर्टी यूज होता है, 10 लॉग का प्रॉपर्टी यूज करोगे, क्वांटम में यूज होता है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का मामला है, इंटीग्रेशन का कुछ मामला है, कुछ ये है और कुछ यूनिट कन्वर्जन है जी गेट के लिए। भाई मान लो तुमको 3-4 लेक्चर 5 लेक्चर अलग से पढ़ना पड़ गया, तुमको मैथ में पीएचडी थोड़ा ना करना है, मैथ में एमएससी थोड़ा ना करना है, ये तो गलत ही बोल दिया है जी एजुकेटर ने, जिसने भी बोल दिया है कि आपका मैथमेटिक्स वीक है तो आप नहीं कर सकते साहब, ये तो बहुत गलत बोल दिया जी कि आपका मैथमेटिक्स वीक है। अरे वीक हो गया तो फिर इसका मतलब ये है क्या वो कर ही नहीं सकता, ऐसे तो फिर इंग्लिश के भी 5-4 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश सबका वीक ही होता है साहब, फिर तो होगा ही नहीं सर उसका गेट। नहीं 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 भाई स्क्रीनशॉट वाला मामला कितने दिन चलेगा,
स्क्रीनशॉट वाला देवाशीष, नहीं जी बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं बोलता कि आप सारा दिन स्क्रीनशॉट जरूर लो साहब, आप क्लास के दौरान लो उसको, फिर अपना नोट्स में कन्वर्ट करो, नोट्स में अपने नोट्स में कन्वर्ट करो एकदम से साहब, एकदम से अपने नोट्स में कन्वर्ट करोगे साहब, एकदम से अपने नोट्स में कन्वर्ट करोगे जी, एकदम से अपने नोट्स में कन्वर्ट करोगे जी, ठीक है साहब, हुआ क्लियर सबको एकदम से? तो खुद का नोट्स एकदम से आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों, जब तक आप स्क्रीनशॉट के बेस पे चलोगे, स्क्रीनशॉट फोन में इकट्ठे करते रहोगे, स्क्रीनशॉट लो क्लास के दौरान, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद उसको क्या करो आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखो स्क्रीनशॉट, दिन में आज 60 ले रहे हो, कल 60 ले रहे हो, परसों 60 ले रहे हो, यार कितने दिन तक 4,000-5,000 हो जाएंगे, जैसे अभी देवाशीष बोल रहा था कि मेरे पास 3,000-4,000 स्क्रीनशॉट है साहब, 3,000-4,000 स्क्रीनशॉट है साहब, ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो ये 3-4 चीजें जरूर ध्यान रखना जी आप सभी की, क्या क्या, एक तो आपको ये जो नोट्स बनाओगे अपने, तो उसमें कुछ ऐसा लिख लो ऊटपटांग जो आपको लंबे टाइम तक याद रहे, मतलब जो कंटेंट वहां लिखा होगा वो साथ में अपने आप ही अपने आपके ध्यान में आएगा आपके। इसके अलावा ये वाला जो रिसोर्सेज है, आप कहाँ कहाँ से क्या मटेरियल पढ़ रहे हो, एक ही टॉपिक को 10 जगह से पढ़ने की बजाय आपके 10 जगह की पढ़ने का मतलब 10 नोट्स से पढ़ रहे हो आप, 10 नोट्स से चीजें वही है आपको पता ही नहीं है, अपना माइंड के अंदर एक परमानेंट इमेज बन जाती है एक चीज को हम बार बार देखते हैं, तो एक चीज को हम बार बार देखते हैं तो अपने दिमाग में एक परमानेंट इमेज बन जाती है, तो एक बात पे इस पे फोकस करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है खुद का नोट्स बनाओगे, फोटोकॉपी स्क्रीनशॉट को अवॉइड करोगे, ठीक है, मतलब सर गेट क्लियर कर भी लिया तो डोजीडिस रैंक नहीं आएगा ऐसा बोला सर, क्या बोला गया भाई साहब, कोई देखो कोई भविष्यवाणी ऐसा नहीं कर सकता कि इसने ये नहीं किया तो वो नहीं किया, इसने ये नहीं किया, मेरे साथ वाले मेरे फ्रेंड की 6 रैंक आई थी और उसने बुक भी नहीं पढ़ा था, बोलो उसने कोई बुक नहीं पढ़ा था, बोलो अब क्या अब का वो कर नहीं पाया, उसने किया नहीं, और उसको ONGC की ब्रांच में जॉब मिला है साहब, मतलब डायरेक्ट ONGC में नहीं, ONGC के नीचे ब्रांच 5 पोस्ट थी, बेंगलोर पोस्टिंग आई, इतना कॉन्फिडेंस है ना, लूज करने वाली बात है सर। अच्छा अगर मान लीजिए तुम्हारा 20 रैंक आ गया तो क्या क्या इसको जॉब नहीं मिलेगी, क्या इसको जॉब नहीं मिल सकती 20 रैंक, मान लीजिए 30 पोस्ट आ गया ONGC में, क्या 20 वाले को जॉब नहीं मिल सकती क्या, ठीक है जी। तो दोस्तों मैथमेटिक्स हाँ जरूरी है, तो उसको आप पढ़ सकते हो कर सकते हो, ये नहीं कि आप